हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद हमारी शूट पे एक ब्रेक हुआ और ब्रेक के दिन हम निकल गए अपनी नई कार को लेकर के, यानी हमारी क्रेटा सिन्हा को लेकर के। पिछले 10-12 दिन से मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहा था, ऑब्वियसली क्योंकि मैं शूट में बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। बाकी फिलहाल मेरे साथ है आयुष और आकाश जो कि पीछे बैठे हुए हैं। तो फिलहाल बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और हम आए हुए थे रिंग रोड के पास। हम तीनों, आयुष बाइक से आया था क्योंकि हमें लेनी थी अपनी कार की एक सिनेमैटिक वीडियो। बहुत अच्छा फॉलो शॉट्स हमने लिया है जो कि अगले कुछ सेकंड्स में आपको हम दिखाएंगे। आकाश ने बहुत ज़्यादा हेल्प की एज यूजुअल सिनेमैटिक सीक्वेंस लेने के लिए। तो अभी जो आपके स्क्रीन पर आएगा उसे आप इंजॉय करें, फिर हम बातें करते हैं आपसे, है ना। सो इन 3, 2, 1 क्रेटा सिन्हा ऑनर। Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression is all that I wanted. The phone and affection, I summon and about nothing. Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a fool line for nothing. I see that we different, you riding, I double my don't do discussions on bragging about hundreds on. All right जी, तो अभी जो आपने देखा उम्मीद करता आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया ना तो प्लीज मेक श्योर आप लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप नए हो हमारे चैनल पे हां लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना यार, महाकाल के नाम पे ढोक दीजिए महाकाल के नाम पे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर आप नए हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, भरी दोपहरी में एसी बंद करके अभी हम बैठे हुए हैं क्योंकि एसी की आवाज़ पे मैं, क्योंकि इनको पेट्रोल भी बचाना है वो एक वजह है, बट मुझे साउंड भी चाहिए अच्छा, क्लैरिटी वाली साउंड हमें चाहिए। बाकी अभी बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही है, प्यास भी लग रही है हमें। तो अभी हम जाएंगे किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं, खाना पीना खाते हैं, उसके बाद हम घर जाएंगे और वहाँ जा करके हम बात करेंगे अपनी गाड़ी के बारे में, जो है आज के वीडियो का टाइटल, माई टॉप 5 फेवरेट फीचर्स इन क्रेटा। क्रेटा SX टॉप एंड मॉडल हमने ये कार ली थी और बहुत सारी फीचर्स में, बट मैं अपनी फेवरेट 5 फीचर्स आपको बताऊंगा। बहुत सारी बातें हैं ऐसे करने के लिए, तो वो हम करेंगे इस वाली ब्लॉग में, बट फिलहाल हम निकलते हैं ना। मैंने परसों ही खाया था तो काफी अच्छा था, इसलिए मैंने इन्हें सजेस्ट किया यहाँ चलते हैं, तो आज ट्राई करके देखते हैं कैसा है। देखिए जी, गाड़ी में आपको हर तरफ प्लास्टिक और स्टिकर्स दिख रहे होंगे, इसका हम कुछ कर नहीं सकते। इंडियन फैमिलीज नई कार है तो थोड़ा फील आना जरूरी है, और ये प्लास्टिक्स वो फील लेकर के आते कि भाई गाड़ी अभी नहीं है, तो इसे अभी हमने उतारा नहीं है। खैर, ह्यूंडई क्रेटा की टॉप मॉडल हमने ली है। दिस इज क्रेटा SX ऑप्शनल पेट्रोल वेरियंट एंड ऑटोमेटिक कार। तो ये कार हमने परचेज की थी, तो इसमें बहुत सारी फीचर्स है, बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड है ये कार, बट मैं आपको पर्सनली वो 5 फीचर बताऊंगा जिसने मुझे इंप्रेस किया इस कार को परचेज करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा, बट एक छोटा सा डिस्क्लेमर, ये जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना, ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, पर्सनल चॉइस है, रिसर्च वर्क सब कुछ अपनी जगह पे, बट ये वो सारी चीज़ें जो कि मेरे दिल को लग गई और मुझे रियलाइज हुआ कि बॉस ये है वो कार जो कि मुझे लेनी है, है ना। तो स्टार्टिंग विद फीचर नंबर 1, दैट इज नन अदर देन द पैनोरामिक सनरूफ। भाई इस कार की जो पैनोरामिक सनरूफ है वो फुल साइज है, मतलब आप देख सकते हो ये यहाँ से खुलकर बिल्कुल पीछे तक जाती है, और आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस और साथ ही साथ आपकी सिटिंग एक्सपीरियंस, अगर आप पीछे बैठते हो तो आपकी एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है। मतलब जो पूरा छत का स्पेस है ना, दैट इज ऑल ग्लास, आप आसमान के भी मजे ले सकते हो। खैर, ड्राइवर के लिए पैनोरामिक सनरूफ का कुछ खास यूसेज तो है नहीं, बट अगर आप पीछे बैठे हो तो ये आपकी ट्रैवल एक्सपीरियंस को, आपकी ड्राइव एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देती है। और अगर आपकी फैन फॉलोइंग कुछ ज़्यादा है तो आप यहाँ से बाहर निकल के फ्लाइंग किस भी दे सकते हो। खैर, जोक्स अपार्ट, ये वो फीचर है जो कि बहुत ज़्यादा मुझे खास लगती है और इस कार को भी खास बनाती है। ह्यूंडई क्रेटा अपने आप को इस चीज़ को लेकर के मार्केट भी करती है, ये उनकी USP है कि उनके पास पैनोरामिक सनरूफ है। पैनोरामिक सनरूफ इज समथिंग जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सेकंड चीज़ कि इसमें है ब्लूलिंग का फीचर। ह्यूंडई क्रेटा में बहुत सारे कमांड्स आप ब्लूलिंग की तरह यूज़ कर सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर हाउ कैन आई हेल्प यू, क्लोज द सनरूफ, क्लोजिंग द सनरूफ। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये ऑटोमेशन, ये AI इंटीग्रेशन जो इस कार के साथ है, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगती है मुझे। और ये क्योंकि मैंने सनरूफ क्लोज होने बोला है तो ये पूरी सनरूफ को क्लोज कर देगी, एंड यू आर बैक टू स्क्वायर वन जहाँ पे हमने रखी थी। सिमिलर तरीके से मैं इस कार की सनरूफ को ओपन कर सकता हूँ, अपनी AC कंट्रोल कर सकता हूँ। एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, आई एम स्वेटिंग, हियर आई एम एडजस्टिंग क्लाइमेट कंट्रोल्स फॉर यू। तो कार की AC ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और जो भी आपकी करंट टेम्परेचर है कार की उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देगी और एक अच्छा टेम्परेचर आपको प्रोवाइड करेगी।
तो ब्लूलिंग की फीचर जो कि AI है एक्चुअली Hyundai की, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है सनरूफ के साथ, मैंने आपको बता दिया। ऑलराइट, सो दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट फीचर इन दिस कार व्हिच वाज पैनोरामिक सनरूफ, और साथ ही साथ मैंने आपको ब्लूलिंग AI इंटीग्रेशन किस तरीके से इस कार में की गई वो भी आपको मैंने दिखा दिया। ब्लूलिंग को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। सो नाउ कमिंग टू फीचर नंबर टू, दैट इज रिलेटेड टू द सीट्स। आगे की दोनों सीट्स जो आप देख रहे हो ना, दीज ऑल आर वेंटिलेटेड सीट्स, मतलब इन दोनों सीट्स के अंदर आपको फैन मिल जाता है जो कि आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड करती है, तो आपके बैक पे और आपके थाइस पे बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होगी, आपको हीट महसूस नहीं होगा। और इसकी सेटिंग्स इतनी ज्यादा मजेदार है ना कि आपको ऐसा लगता है जब आप कार चला रहे हो और आपने एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर ली तो आपको ऐसा फील होगा कि आप फ्लोट कर रहे हो हवा में। तीसरी जो मेरी फेवरेट फीचर है, दैट इज रिलेटेड टू द सेंट्रल कंसोल, द स्टीयरिंग व्हील, द लुक्स एंड द फंक्शनैलिटी, बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लेवल की है। सबसे पहले अगर मैं लुक्स को कंसिडरेशन में लूं तो इसकी सेंट्रल कंसोल पियानो ब्लैक कलर में दी गई, जिसकी फिनिशिंग बहुत ही ज्यादा टॉप नॉच है। सिर्फ देखने में नहीं बट फील करने में भी बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है। लेदर स्विच स्टीयरिंग व्हील जो कि आपको ऑडी की याद दिलाएगा, बिकॉज ये जो स्टीयरिंग व्हील है ऑडी से काफी ज्यादा सिमिलर है बिकॉज ऑफ द फ्लैट बेस, और ये फील करने में अगेन बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगती है और बहुत इजी टू ग्रिप है। और अगर आप कार को स्पोर्ट्स मोड में लेकर जाना चाहते हो तो पेडल शिफ्टर्स के तो क्या ही कहने। कमिंग टू द फोर्थ फीचर विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द साउंड सिस्टम, इस कार में है 8 बोस के स्पीकर्स जो कि बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट लेवल की साउंड प्रोड्यूस करती है। म्यूजिक का जो आपका फील है ना वो बहुत ज्यादा इनहेंस कर देती है 8 बोस के स्पीकर। तो इसमें है 2 ट्विटर्स, 1 डैशबोर्ड स्पीकर, 4 स्पीकर ऑन द डोर और 1 सब वूफर जो कि बूट में दी गई है, तो ये इसको बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट बना देती है। कसम से बता रहा हूँ, इतनी ज़्यादा प्यारी साउंड क्वालिटी है ना इसकी, इतनी ज़्यादा क्लैरिटी है कि नॉर्मल से नॉर्मल गाने सुने भी ना मतलब गूज़बम्स आ जाते हैं। और बेस जो इस गाड़ी में है अल्टीमेट लेवल, मतलब वाइब्रेशन मेरे को फील होती है भाई साहब। साउंड सिस्टम के बारे में बात होगी और अब बात करते हैं अपने फिफ्थ फेवरेट फीचर के बारे में विच इज़ रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर की, ये है मेरे कार की चाबी, क्रेटा की चाबी। और इसकी खास बात यह है कि नॉर्मल डोर अनलॉक और लॉक के अलावा इसके अंदर जो फीचर्स है दैट इज़ कि मैं इससे बूट अनलॉक कर सकता हूँ, और साथ ही साथ इसमें एक इंजन होल्ड बटन है जिससे मैं इंजन को स्टार्ट और इंजन को ऑफ भी कर सकता हूँ बाहर खड़े रहते हुए। और इसके साथ ही साथ मेरे फ़ोन पे है ब्लूलिंग की एप्लीकेशन, और इसमें इतनी सारी फीचर्स है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। जितने भी कमांड्स मैं ब्लूलिंग को बोल के दे सकता हूँ वही सारे कमांड्स मैं अपने फ़ोन के थ्रू भी से दे सकता हूँ। इंजन को स्टार्ट करने से लेकर के AC कंट्रोल से लेकर के गाड़ी की ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। और ऐसा नहीं कि कार के अंदर बैठ के मैं सारी चीज़ें करूँगा, मैं ये सारी चीज़ें बाहर बैठ के भी कर सकता हूँ। मतलब अगर मुझे कहीं निकलना है, गाड़ी गर्म हो रखी है, निकलने से 5 मिनट पहले मैं अपनी कार को कमांड दे सकता हूँ कि बॉस मुझे गाड़ी ठंडी चाहिए, है ना, तो AC वगैरह पूरा टाइट सीन करके रखने। तो ये सारी चीज़ें हैं जो की और ब्लूलिंग एप्लीकेशन के साथ मुझे इस कार में मिलती है। तो ये थी वो सारी फीचर जिसने मुझे अट्रैक्ट किया इस कार को कंसीडर करने के लिए। बाकी मैं आपको बताऊं ना तो मैंने सेल्टोस भी कंसीडर किया था और साथ साथ मैंने हैरियर भी कंसीडर किया था। हैरियर वाज ऑन टॉप ऑफ माय प्रायोरिटी लिस्ट, मुझे वो गाड़ी बहुत ज्यादा पसंद है ब्लैक कलर में। बट उसकी ना सबसे बड़ी इशू ये थी कि वो क्रेटा से थोड़ी लंबी है और वो हमारे गैराज स्पेस में बहुत टाइट फिट होती, मतलब बहुत मुश्किल से हम उस कार को पार कर सकते थे, तो वो हमें करना ही था बिकॉज कार लॉन्ग टर्म के लिए आने वाली और गैराज स्पेस लिमिटेड है। बाहर ना बड़ी तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई थी और कार के ऊपर जब बारिश गिरी तो काफी तेज़ आवाज़ें आ रही थी, दैट इज़ दिन मुझे कमरे में आना पड़ गया, वरना आज का पूरा व्लॉग तो मैं कार में निपटा देने वाला था। बाकी मेन टॉपिक पे तो हमने बात कर लिया, मैंने आपको अपनी गाड़ी के 5 फेवरेट फीचर्स बता दिए। और इसके अलावा लास्ट वाले व्लॉग में आपके एक क्वेश्चन था, बड़ा कॉमन क्वेश्चन था कि भैया i10 का क्या हुआ। तो यार ऐसा है कि i10 अभी भी हमारे पास है, i10 हमने बेची नहीं है, i10 अभी भी हमारे पास रहती है। फिलहाल वो गैराज स्पेस के बाहर रहेगी क्योंकि हमारी गैराज स्पेस में एक ही कार रख सकती है, या तो i10 या फिर क्रेटा। तो क्रेटा फिलहाल अंदर है ऑब्वियसली क्योंकि वो नहीं, और i10 को हमने बाहर रखा है, उसकी पार्किंग का जुगाड़ हम कर रहे हैं और उस पर हम लगे हुए हैं, तो वो जल्दी से हम फिगर आउट करेंगे, उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। बाकी i10 तो खैर हमारी पास है। एंड आई नो ये वाली ब्लॉग बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, बहुत ज़्यादा डिले हो गया इस ब्लॉग को लेकर के, बट रीज़न आपको ऑलरेडी पता है, वी आर वर्किंग ऑन अ वेब सीरीज, लव लेन के ऊपर हम काम करें और शूटिंग का स्केड्यूल इतना ज़्यादा टाइट हो रखा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। सुबह से शाम तक हम शूट में ही बिजी रहते हैं, जिस दिन हमारा ऑफ होता है उस दिन मुझे लिटरली ऐसा फील होता है कि भाई आज तो ब्रेक ले ही लो, अगर उस दिन कैमरा उठा लिया ना तो फिर नेक्स्ट डे शूट में मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो रेस्ट डे को मैं यूटिलाइज करता हूँ एक्चुअली रेस्ट करने के लिए, तो मैं व्लॉग्स बना नहीं पा रहा था। बट अभी बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, तो वेब सीरीज रिलेटेड अपडेट आपको अगले वाले व्लॉग में हम देंगे और सेट पे क्या क्या चलता है वो भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट वाले व्लॉग में कुछ मज़ेदार आपके लिए आने वाला है और आपको काफ़ी मजा आएगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगर आपको ये व्लॉग किसी रीजन से अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इफ यू गाइज आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ डू कंसीडर सब्सक्राइब टू माय चैनल, आई एम रियली क्लोज टू रीच 14K सब्सक्राइबर्स, तो जल्दी से मुझे आप सब वहाँ पे पहुँचा दीजिए, है ना। मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, बाय बाय।